राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बाद सरकार के बदलते ही कई फेर बदल हुए हैं। अब भजनलाल सरकार एक और गहलोत सरकार के फैसले को बदलने जा रही है। ये वो फैसला है जिसे गहलोत सरकार में सीधे चुनावी लाभ से जोड़ा जा रहा था। नमस्कार, मैं शेख जोया, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। दरअसल अब भजनलाल सरकार पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के बड़े फैसले को बदलने जा रही है। प्रदेश का सबसे छोटा दूदू जिला खत्म हो सकता है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने साल 2023 में अगस्त को 19 नए जिलों का गठन किया था। इसके बाद राजस्थान में जिलों की संख्या 33 से बढ़कर 50 हो गई थी। नए जिलों में दूदू भी शामिल है जो ग्राम पंचायत से सीधा जिला बना था। पूर्व सरकार में इस फैसले को चुनावी लाभ से जोड़कर देखा जा रहा था। बता दें, दूदू राजस्थान का ही नहीं बल्कि देश का भी सबसे छोटा जिला है। इस जिले में 3 उपखंड मुजम्माबाद, दूदू और फागी शामिल है। इसके साथ सिर्फ 3 तहसील है। पुलिस विभाग के भी मात्र 3 डिप्टी कार्यालय है। जब से दूदू जिले की घोषणा की गई थी, आमजन इस निर्णय को चुनावी लाभ से जोड़कर देख रहे थे। पूर्ववर्ती सरकार का दूदू को जिला बनाने का फैसला लोगों के गले में नहीं उतर रहा था। अब प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद दूदू जिले पर फिर चर्चा हो रही है। भजनलाल सरकार निर्णय पर पुनः विचार कर रही है। जल्दी दूदू जिले को खत्म किया जा सकता है, जिसके संकेत सरकार दे चुकी है। दूदू में फिलहाल कोई कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक नहीं है। जयपुर के कलेक्टर और जयपुर ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक को ही अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। हालांकि पूर्ववर्ती सरकार ने दूदू में कलेक्टर और एसपी लगा दिए थे, लेकिन उनको हटा दिया गया। दूदू में खोली गई पुलिस लाइन भी बंद कर दी गई है। पुलिस लाइन को जयपुर ग्रामीण में शिफ्ट कर दिया गया है। ऐसे तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज। शुक्रिया।